हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक अगेन लक्ष्य क्लासेस। टुडे दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेलर न्यूरॉन। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे नर्व सेल की संरचना के बारे में। इसको न्यूरॉन के नाम से भी जाना जाता है। जो डायग्राम दिख रहा है, द स्ट्रक्चर व्हिच यू कैन ऑब्जर्व हियर इन दिस, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल आर न्यूरॉन। जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, यह एक नर्व सेल या न्यूरॉन का की संरचना है। द डायग्राम व्हिच यू कैन ऑब्जर्व हियर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन आर नर्व सेल। तो जहाँ तक नर्व सेल या न्यूरॉन का क्वेश्चन है, नर्व सेल इसकी संरचना जो है पॉलीगोनल होती है। नर्व सेल के अंदर पाए जाते हैं सेल, नर्व सेल कॉन्टेनिंग द सेल बॉडी आर साइटॉन। नर्व सेल जो होती है, दैट इज कॉन्टेनिंग द सेल बॉडी आर साइटॉन। नर्व सेल जो है सेल बॉडी या साइटॉन को धारण करती है। एंड दिस सेल बॉडी एंड साइटॉन दैट वॉज इनक्लोज्ड विथ साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी या साइटॉन जो होती है अपने चारों तरफ साइटोप्लाज्म से घिरी होती है। एंड दिस सेल बॉडी या साइटॉन कॉन्टेनिंग द न्यूक्लियस, एंड द न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग द न्यूक्लियोलस। सो इट इज़ वेरी क्लियर दैट द नर्व सेल आर न्यूरॉन containing the cell body or cyton. That cell body or cyton, that is a polygonal in structure, and the cell body or cyton that is surrounded by or that is enclosed by cytoplasm, and they also containing the nucleus. In the nucleus there is presence of the nucleolus, and there are various structures which you can observe here. A knob like structure that is known as needle granules, they are made up of ribonucleoprotein, and their function is the synthesis of the neurotransmitter substances. यहाँ पर जो है जो संरचना आपको दिख रही है, इन needle granule के नाम से जाना जाता है। and this needle granules, they are made up of ribonucleoprotein, and they synthesize the neurotransmitter substances as like acetylcholine. तो ये जो needle granule होते हैं, ये neurotransmitter substance को synthesize करते हैं। बाकी इस तरह आप देख रहे हैं, यहाँ पर dendrites निकले होते हैं। ये dendrites हैं, इस संरचना को कहा जाता है, दे डेंड्राइट्स हैं, इसको एग्जान हिलाक कहते हैं। एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द नर्व सेल आर न्यूरॉन, दैट इज द सेल बॉडी आर साइटॉन, दैट इज पॉलीगोनल इन स्ट्रक्चर, पॉलीगोनल इन शेप, यू कैन सी दैट। तो चूंकि पॉलीगोनल शेप होती है, बहुमुखी होती है, यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी जो संरचनाएं निकली, इनको डेंड्राइट्स कहते हैं। यहाँ पर जहाँ पर यू शेप्ड आपको दिखाई पड़ रहा है, इसको एग्जान हिलाक कहते हैं। एग्जान हिलाक से निकलती है एग्जान, एंड दिस इज नोन एज एग्जान। एग्जान आगे कंटिन्यू आता है, एंड दिस एग्जान वॉज सराउंडेड बाई ए लेयर, एंड दैट इज नोन एज न्यूरिलेमा। एग्जान जो है चारों तरफ से घिरा होता है जिस लेयर के द्वारा, उसको न्यूरिलेमा के नाम से जाना जाता है। एंड द एग्जान वॉज सराउंडेड बाई ए लेयर दैट इज नोन एज न्यूरिलेमा, एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ नोड्स ऑफ रेनबियर। ये न्यूरिलेमा जो होती है, बीच बीच में जो है ज्वाइन करती है, बीच बीच में ब्रेक हो जाती है,
और जहाँ पर ये लेयर आपस में कनेक्ट होती हैं दैट इज नोन एज नोड्स ऑफ रेनबियर, दिस इज नोन एज एग्जान, और एग्जान जा करके जहाँ पर एंड होती है दैट इज एंडिंग टू द स्ट्रिएटेड मसल। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जान इन ए फुली मैग्निफाइड फॉर्म, अगर एग्जान की हम बात करें, नाउ लेट अस बी मूव फॉरवर्ड, एज वी हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड दैट दिस एग्जान दैट वॉज अराइजेज बाई ए स्पेशल प्रोट्यूबरेंस एंड दैट स्पेशल प्रोट्यूबरेंस इज नोन एज एग्जान हिलाक। एग्जान जो होती है सेल बॉडी या साइटान की एक विशिष्ट उभार से उभार वाली संरचना से बाहर निकलती है जिसको हम कहते हैं एग्जान हिलाक। एग्जान इज आल्सो कॉल्ड एज नर्व फाइबर एंड द एग्जान में भी वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, समटाइम द लेंथ ऑफ द एग्जान मे बी मोर देन ए मीटर, फॉर एग्जाम्पल द एफेंट एग्जान ऑफ लेग ऑफ मैन। साइटोप्लाज्म ऑफ एग्जान कॉन्टेनिंग द एग्जोप्लाज्म, देन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज डेंड्राइट्स, बिसाइड द एग्जान्स देयर आर वन आर मोर, दिस इज नोन एज डेंड्राइट्स, बिसाइड द एग्जान देयर आर वन आर मोर शॉर्टर हाईली ब्रांच्ड प्रोसेसेस दैट इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स सर्व्स टू कैरी द मैसेज टू द नर्व सेल, ये डेंड्राइट्स होते हैं ये जो है मैसेज कैरी करते हैं नर्व सेल को। सर्टेन टाइप ऑफ सेल्स एज लाइक स्पाइनल गैंगलियन दे हैव ओनली वन प्रोसेस एंड सच सेल्स आर कॉल्ड यूनिपोलर सेल्स। तो ये हो गया एग्जान हिलाक, ये हो गया डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस, निजल ग्रेन्यूल, न्यूक्लियोलस एंड ये हो गया आपके न्यूरिलिमा। एग्जान वॉज कवर्ड बाई ए लेयर दैट इज नोन एज न्यूरिलिमा, और न्यूरिलिमा जो होती है जहाँ पर बीच बीच में न्यूरिलिमा ब्रेक होती है उस पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स ऑफ रेनबियर, जहाँ पर एग्जान एंड होती है दैट इज नोन एज एंडिंग। बी है मल्टीपोलर सेल विथ ए सिंगल एग्जान एंड मेनी डेंड्राइट्स, ये बी में दिखाया गया है इन अलार्जमेंट ऑफ द बॉक्स डिनेरिया, इसी जो एग्जान का स्ट्रक्चर है इसको इनलार्जमेंट दिखाया गया है, पूरा एग्जान है। एग्जान वॉज एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट एग्जान वॉज कवर्ड बाई लेयर दैट इज नोन एज न्यूरिलिमा। न्यूरिलिमा के नीचे होता है इंडो न्यूरियम, इसके बाद यहाँ अंदर में है सचिवान सेल, यह है सचिवान न्यूक्लियस, यह है सचिवान साइटोप्लाज्म, यह है नोट्स ऑफ रेनबियर। अभी आगे हम बताएंगे नोट्स ऑफ रेनबियर का फंक्शन क्या है। सो मैंने बताया ना कि जहाँ जहाँ पर ये जो आउटर जो है न्यूरिलिमा जो होती है बीच बीच में ब्रेक होती है और उसी पॉइंट्स को कहते हैं नोट्स ऑफ रेनबियर। वी विल लेटर एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ द नोट्स ऑफ रेनबियर एंड दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एग्जान दैट इज नोन एज न्यूरिलिमा एंड बिलो द न्यूरिलिमा देयर इज प्रेजेंस ऑफ एंडोन्यूरियम एंड यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द सचिवान सेल कंटेनिंग द सचिवान न्यूक्लियस एंड सचिवान साइटोप्लाज्म। दिस इज द वी डायग्राम दैट इज द एन इनलार्जमेंट ऑफ द बॉक्स इन द एरिया। नाउ लेट अस बी एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल एंड न्यूरॉन, वेरी वेल हियर। इफ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द नर्व सेल एंड न्यूरॉन देन यू कैन ऑब्जर्व दैट स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल आर न्यूरॉन। अगर हम नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में हम डिटेल बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल या न्यूरॉन, इफ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल आर न्यूरॉन देन इट इज वेरी क्लियर दैट अगर हम नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में डिटेल चर्चा करें, द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल यहाँ पर इंडिकेट किया गया है स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल आर न्यूरॉन, बहुत अच्छे से आप पढ़ें स्टडी करेंगे तो एक पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल आर न्यूरॉन के बारे में
यहाँ जो पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं एकदम आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ पर लिखा है द नर्व सेल स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल आर न्यूरॉन की बात कर रहा हूँ। द नर्व सेल है भी स्पेशल स्ट्रक्चर, जो नर्व सेल होती हैं उनकी अपनी एक विशिष्ट संरचना होती है। दैट इज अडाप्टेड टू द नीड ऑफ दियर फंक्शन। नर्व सेल की अपनी एक विशेष संरचनाएँ होती हैं। द नर्व सेल है भी स्पेशल स्ट्रक्चर, नर्व सेल की अपनी जो है विशेष संरचनाएँ होती हैं और उनकी जो विशिष्ट संरचनाएँ होती हैं वो उनके कार्यों के अनुसार अनुकूलित होती हैं। ऑल्दो दीज वेरी ग्रेटली इन साइज, यद्यप जो नर्व सेल होती हैं वह साइज और शेप में यानी आकृति और आकार में घटती और बढ़ती रहती हैं। इट देर देयर आर सर्टेन बेसिक स्ट्रक्चर विच आर फाउंड इन द एवरी नर्व सेल। यद्यप कुछ मूलभूत संरचनाएँ होती हैं जो प्रत्येक नर्व सेल में पाई जाती हैं। द नर्व सेल हैव सेल बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नर्व सेल होती हैं उनमें सेल बॉडी पाई जाती है, उनको हम साइटान कहते हैं। विच इंक्लोजेज साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है। कंटेनिंग ए न्यूक्लियस, एक केंद्रक पाया जाता है। द सेल बॉडी गिव्स ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सेल बॉडी जो होती है बहुत सारी उभार निकालती है। देयर इज यूजुअली ए सिंगल एक्जान, वहाँ पर एक एग्जान पाया जाता है। एंड वेरिएबल नंबर ऑफ डेंड्राइट्स, और बहुत सारे डेंड्राइट्स पाए जाते हैं। अब सेल बॉडी के बारे में बात करते हैं। ए टिपिकल सेल बॉडी इज राउंडेड आर पॉलीगोनल इन शेप। विशिष्ट जो सेल बॉडी होती है गोलाकार होती है अथवा बहुभुजी संरचना की होती है। इट कॉन्टेन्स न्यूक्लियस, के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें लार्ज न्यूक्लियोलस होता है। स्पेशल बॉडीज का जिसमें हम निजल ग्रेन स्पेशल बॉडीज पाई जाती हैं, विशिष्ट संरचनाएँ होती हैं जिनको हम निजल ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर, दे आर कंपोज ऑफ राइबो न्यूक्लियर प्रोटीन व्हिच वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। निजल ग्रेन्यूल्स प्रोबेबली माने संभवतः ये बनाते हैं एंजाइम्स, किसके सिंथेसिस के लिए, न्यूरोट्रांसमीटर के सिंथेसिस के लिए। निजल ग्रेन्यूल्स प्रोबेबली सिंथिसाइज एंजाइम्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस। सेल बॉडी जो होती है अपने चारों तरफ से घिरी होती है स्पेशल ग्लियल सेल से, और जो मेम्ब्रेन होती हैं ग्लियल सेल्स की दे सराउंड मोस्ट ऑफ द सेल बॉडी, वो ज़्यादातर सेल बॉडी को घेरी रहती हैं। एक्सेप्ट दोज प्लेसेस, केवल उन जगहों को छोड़कर जहाँ पर सेल बॉडी जो होती है दूसरे सेल बॉडी से कॉन्टैक्ट करती है। ये हो गया स्ट्रक्चर, मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अब इनमें कुछ ये पॉइंट और समझ लीजिए। ये हो ही गया है डायग्राम, मैंने बता दिया स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल नर्व सेल। एक मल्टीपोलर सेल थी जिसको हम नर्व सेल या न्यूरॉन कहते हैं, उसको मैंने पहले ही बता दिया आपको। और उसके बाद एग्जान क्या होता है, यहाँ तक एग्जान के बारे में है। द सेल बॉडी गिव्स ऑफ ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सेल बॉडी जो होती है बहुत सारी उभार निकालती हैं। देयर इज यूजुअली ए लॉन्ग ब्रांच नोन एज एग्जान। सेल बॉडी से बहुत सारी संरचनाएँ निकलती हैं, वहाँ पर प्रायः एक लंबी शाखाएँ निकलती हैं जिनको एग्जान कहते हैं। व्हिच इज लॉन्गर देन द अदर, जो दूसरे से जो है लंबा होता है। दीज अराइजेस फ्रॉम स्पेशल प्रोट्यूबरेंस, एग्जान जो होता है एक विशिष्ट प्रोट्यूबरेंस माने उभार वाली संरचना से निकलता है, सेल बॉडी के उभार वाली संरचना से निकलता है जिनको कहते हैं एग्जान हिलाक। एग्जान को दूसरे शब्दों में नर्व फाइबर भी कहते हैं। जो लेंथ होती है एग्जान की वेरीज माने घटती और बढ़ती है सेल टू सेल। समटाइम्स इट में बी इवन मोर देन मीटर इन लेंथ, कभी कभी एग्जान की लंबाई जो है एक मीटर से ज़्यादा होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो एफरेंट एग्जान जो मनुष्य के लेग में पाया जाता है उसकी लंबाई एक मीटर से ज़्यादा होती है। जो एग्जान का साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एग्जान इज ब्रांच्ड, एग्जान जो है शाखायुक्त होता है अपने डिस्टल एंड पर। डिस्टल एंड का मतलब होता है अभी फ्रॉम द सेंटर, वह एंड जो केंद्र से दूर हो उसको डिस्टल एंड कहते हैं। मतलब एंड ब्रांच, और ये शाखायुक्त होता है। गिव्स ऑफ स्पेशल क्लब शेप्ड स्ट्रक्चर्स को बटन कहते हैं, जो दूसरे सेल से कांटेक्ट बनाता है। आगे है डेंड्राइट्स। बिसाइड द एग्जान, एग्जान के अतिरिक्त देर आर वन आर मोर शॉर्टर हाईली ब्रांच प्रोसेस। वहाँ पर एक अथवा एक से ज़्यादा छोटे और बहुत ज़्यादा शाखायुक्त
उभार होते हैं उनको डेंड्राइट्स कहते हैं। डेंड्राइट्स जो होते हैं सर्व्स टू कैरी मैसेज टू द नर्व सेल, ये नर्व सेल को जो है मैसेज को जो है कैरी करते हैं, मैसेज ले जाने का कार्य करते हैं। सर्टेन टाइप ऑफ सेल जैसे स्पाइनल सेल है, गैंग्लियन सेल है, इसमें एक ही प्रोसेस पाया जाता है, उनको यूनिपोलर सेल कहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की संख्या के आधार पर इनको हम पोल कहते हैं। नर्व सेल को जो है वेरियस भिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर में है मोटर न्यूरॉन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। आगे है नेक्स्ट, अगर हम बात करें ये देखिए कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं। यूनिपोलर नर्व सेल, यूनिपोलर में देखिए एक ही पोल है, यहाँ ऊपर देखिए 111। मल्टीपोलर नर्व सेल 1 2 3 4 बहुत सारे नर्व पोल हैं। बाईपोलर नर्व सेल यहाँ 2 पोल हैं। तो ABC डायग्राम शोइंग द वेरियस टाइप ऑफ नर्व सेल। कभी कभी माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स पे शॉर्ट नोट भी आते हैं। तो एग्जान बोथ इन द वर्टिब्रेट एंड इन वर्टिब्रेट्स आर ऑफन कवर्ड विथ ए शीथ। जो एग्जान्स होते हैं चाहे वो वर्टिब्रेट्स के हों चाहे इन वर्टिब्रेट्स के हों, जो एग्जान्स होते हैं वर्टिब्रेट और इन वर्टिब्रेट्स की, वे अपने चारों तरफ एक कवर से ढके होते हैं जिनको माइलिन शीथ कहते हैं। सच फाइबर, इस तरह के जो फाइबर होते हैं जो एग्जान होते हैं उनको माइलिनेटेड फाइबर कहते हैं। वाइल दोज व्हिच आर नॉट कवर्ड, और जो घेरे नहीं होते हैं उनको नॉन माइलिनेटेड फाइबर कहते हैं। कुल मिलाकर के जो एग्जान को कवर करते हैं उनको माइलिनेटेड, और जहाँ पर कवर्ड नहीं होते उसको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। डेंड्राइट्स आर ऑलवेज नॉन माइलिनेटेड, डेंड्राइट्स जो होते हैं वो हमेशा नॉन माइलिनेटेड होते हैं क्योंकि वो कवर्ड नहीं होते हैं। यूजली फाइबर्स ऑफ लार्जर डायमीटर आर माइलिनेटेड, ज़्यादातर जो फाइबर्स होते हैं लंबे डायमीटर के वही माइलिनेटेड होते हैं। यही सब इसमें डिटेल दिया गया है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसके अलावा है मैमल्स में फाइबर जो है लार्जर होते हैं, 0.001 मीटर डायमीटर से कवर्ड होते हैं माइलिन में। नर्व जो होती है माइलिनेटेड फाइबर से बनी होती है तो उसको मेडुलेटेड नर्व कहते हैं। स्ट्रक्चर जो होता है माइलिनेटेड फाइबर का वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। एग्जान सराउंडेड होता है वायलिन शीथ से, व्हिच में वायरिन द स्ट्रक्चर फ्रॉम टू सेल टू सेल, जिसकी संरचना जो होती है सेल टू सेल जो है अलग होती है, मतलब घटती और बढ़ती रहती है। वायलिन शीथ जो है अपने चारों तरफ से साइटोप्लाज्म से घिरा रहता है इसको, और एक तरह की विशिष्ट सेल होती है इसको सजीवान सेल कहते हैं, जो दूसरी नर्व टिश्यू से एसोसिएटेड रहता है। यही सब इसमें दिया गया है। आगे है द वायलिन शीथ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइलिन शीथ प्रोवाइड बोथ मैकेनिकल सपोर्ट टू द बोथ मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन टू द एग्जान। माइलिन शीथ जो होती है एक तो यांत्रिक सहारा देती है, दूसरे जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन देती है एग्जान को। माइलिन शीथ जो है ब्रोकन हमारी बीच बीच में टूट जाती है। माइलिन शीथ जो होती है एक निश्चित अंतराल के पश्चात ब्रेक हो जाती है, और जहाँ पर ये माइलिन शीथ जो होती है ब्रेक होती है या डिसकंटिन्यूस होती है उसी को नोट्स ऑफ रेनबियर कहते हैं। द स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नोट्स ऑफ रेनबियर जो मैंने बताया था ना कि जो लेयर होती है न्यूरिलेमा जो है बीच बीच में ब्रेक होती है उसी को माइलिन शीथ कहते हैं, जो बीच बीच में ब्रेक होती है तो बनाती है नोट्स ऑफ रेनबियर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस। द स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सिस थ्रू द माइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो नोट्स ऑफ रेनबियर बड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इम्पल्सिस के कंडक्शन में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायग्राम 9.3 में एक सिंगल सिवान सेल दिखाया गया है और दो नोट्स ऑफ रेनबियर दिखाए गए हैं। माइलिन है, एग्जान है, सिवान सेल है। सो दैट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्व सेल एंड न्यूरॉन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग द वीडियो।